फ्रेंड्स, ईद हो चुकी है, गोश्त बहुत है, बकरा, तो चलिए आज हम बकरे का भुना गोश्त बनाते हैं। देखिए, ये मैंने बकरे का भुना गोश्त बनाया, देखिए कितना ज़बरदस्त है, और ये बनेगा अभी तकरीबन 15 से 20 मिनट में। देखिए ये गल चुका है, देखिए बहुत ज़बरदस्त गला है और इसका टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त हुआ है। इसका नाम है भुना गोश्त, चिली भुना गोश्त। ये मेरी अपनी रेसिपी है, बहुत टेस्टी है, इसके साथ नींबू रखिए। तो चलिए हम बनाते हैं भुना चिली गोश्त, भुना हरी मिर्ची का गोश्त। चलिए तो शुरू करते हैं आज की रेसिपी। ईद मुबारक फ्रेंड्स। चलिए आज हम चिली भुना गोश्त बनाएंगे। देखिए ये बकरे का गोश्त है, मैंने इसको बड़े बड़े पीस थे पहले, ये बड़े बड़े पीस करके मैंने इसको बॉईल कर लिया था, हल्दी नमक और अदरक लहसुन डालकर, बस इस तरह से बॉईल किया था कि उसका बॉडी का पानी एकदम सूख गया था। देखिए, और इसको अब मैंने इस तरह से छोटे छोटे पीस कट कर लिए, और अब हमें चाहिए ये मोटी जो फीकी मिर्च होती है, ये 5-6 हरी मिर्च, क्योंकि ये 1.5 किलो गोश्त है, और ये हरा धनिया है, और ये तेज़ हरी मिर्च, थोड़ी सी लाल मिर्च और थोड़ा सा हल्दी। चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग भुना हुआ गोश्त। फ्रेंड्स, शुरू से आखिरी तक वीडियो देखिए, क्योंकि अब बीच बीच में हम जो मसाले डालेंगे वो बीच बीच में आपको पता चलेंगे। ये मिर्ची को इस तरह से मैंने काट लिया है, इस मिर्ची को मैंने इस तरह से बीच में से कट करके लंबे लंबे रख दिया है, और यह हरा धनिया को इस तरह से कट कर लिया। 1/2 कप ऑयल मैंने इसको गर्म कर लिया है, ऑयल आप अपने हिसाब से रखिए कम ज़्यादा। इसके मैं थोड़ा 1/2 टीस्पून ज़ीरा डालूँगी। ये अच्छे से तड़तड़ाने लगे, उसके बाद देखिए अब ये हम धनिया डालेंगे। ये धनिया डाल दिया है, इसके साथ ये हरी मिर्च, और ये हरी मिर्च ये भी डाल देंगे, और इसको हम इस तरह से अच्छे से भून लेंगे। ख्याल रखिए क्योंकि तेल उड़ता है गर्म होने के बाद। फ्रेंड्स, देखिए हमारी हरा धनिया जो है इस तरह से एकदम सूख चुका है, और मिर्ची भी जो छोटी मिर्ची थी ये भी सूख चुकी है, मोटी मिर्ची है इसी तरह से रहेगी। अब इसमें हम 1 टीस्पून अदरक लहसुन डाल देंगे। 1 टीस्पून अदरक लहसुन डाल दिया। बहुत ख्याल रखना है फीके उठते तेल से, कि तकरीबन 1 टीस्पून हम नमक डालेंगे, क्योंकि हमने गोश्त में नमक डाल चुके हैं पहले। अब इसमें कलर के लिए हमें हल्दी तो डालनी है, 1/2 टीस्पून हल्दी डाल दिए, और ये 1 टीस्पून लाल मिर्च डाल दिए। बस हो चुका है ये हमारा मसाला तैयार। तो अब जो हमने ये प्याज गोश्त करे थे, इस गोश्त को इसमें डाल देंगे, और इसको धीमी आंच पर थोड़ा सा पानी डालेंगे। तो धीमी आंच पर होने देंगे और थोड़ा सा पानी डालेंगे। ये देखिए मैंने थोड़ा सा पानी डाला है इसमें। गोश्त तो ऑलरेडी हमारा गल चुका है, हमने कुकर में इसको गला चुके हैं गोश्त को, बस अंदर ये मसाला अंदर तक जाने के लिए। देखिए इसमें अगर हल्दी नहीं भी डाले तो भी इस कलर इसका इसी तरह से होगा, क्यों कि गोश्त जो हमने सुखा दिया है उसको एकदम से पानी वगैरह। तो चलिए कभी वक्त कलर भी अच्छा लगता है। 2-3 मिनट मैं इसको कवर करके रख दूँगी, और हम ये धीमी आंच पे ही इसे होने देंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा चिली चिकन गोश्त तैयार है। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू।